आजकल बड़ों को या छोटों को, सभी को मार्केट जैसा दिखने वाला जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत ही पसंद आती है। तो आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी शेक मार्केट स्टाइल में, बट ये बनाएंगे हम शुगर फ्री। यहाँ मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज लिए हैं, इसे सोडे के पानी में या ऐसे ही आप थोरली वॉश कर लें तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। इसे कट कर लें, मुँह को हटा दें और इसे पीसेस में काट लें। यहाँ स्ट्रॉबेरीज हमारे कट जाए, यहाँ हम ऐड कर रहे हैं कुछ डेट्स लेंगे। ये मिठास के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और ये खाया भी जाएगा। बीज को हटा देंगे और इस तरह से हम डेट्स को भी हम रेडी कर लेंगे। डेट्स आपको पसंद नहीं है, इसकी जगह आप हनी ले सकते हैं, स्टीविया ले सकते हैं, कुछ भी आप मिठास के लिए जो प्रेफर करते हैं वो आप ले सकते हैं। अब डेट्स को और स्ट्रॉबेरीज को हम डालेंगे एक जार में। हम इस शेक में कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ के संग संग में हम टेस्ट भी दे बच्चों को, जिससे बच्चे जो स्किप कर देते हैं, नहीं खा जाते हैं, तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्रोटीन जो है और जो फाइबर्स है वो उसको मिले। तो यहाँ मैं कुछ सीड्स डाल रही हूँ, आपके जो बच्चे पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। इसमें ऐड कर दे, ब्लेंड कर दे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इसमें आप इस तरह से इसमें ऐड करके ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ नॉर्मल मिल्क, चाहे तो आप इसमें यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आमंड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने ऑलरेडी आमंड डाला है तो पानी का भी डाल के आप यहाँ पे शेक बना सकते हैं, अगर किसी को दूध से प्रॉब्लम है तो। यहाँ हम ग्लास में सर्व कर देंगे, ऊपर से हम थोड़ा सा क्रीम, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यहाँ हम डाल देंगे इसमें। जस्ट मार्केट लुक देने के लिए हमने किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे स्किप भी कर सकते हैं, बट ये देखने में लुक वाइज में बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा हमें। तो इस तरह से आप डेकोरेट करके दे सकते हैं, प्रेजेंट करके दे सकते हैं। अगर मिंट लीफ हो तो मिंट लीफ थोड़ा लगा दें, एक स्ट्रॉबेरी काट के बगल में आप लगा दें। इसी तरह से रेस्टोरेंट्स में या कहीं भी हम कैफ़े में जाते हैं इसी तरह से हमें डेकोरेट करके मिलता है। अगर मेपल सिरप है या कैस हनी है या इसका नाम क्या डेट सिरप भी आता है, वो आप इसके ऊपर से थोड़ा डेकोरेट कर दें इस तरह से, और बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो चॉप किए हुए नट्स भी डाल सकते हैं।